नमस्कार दर्शकों, मैं राजेश पुरी और तुसी देख रहे हो A1 पंजाबी TV। खबर फिरोजपुर तो सामने आ रही है। तुहानू दस दईए कि फिरोजपुर च एक अपाहज व्यक्ति ने पुलिस ते दोष लाए ने मार कुटाई दे। व्यक्ति का कहना है कि उसनू नशा वेचण वालियां दी सूह लगी सी और यही गल दसन वो थाने च गया सी, लेकिन थाने च जाण तो बाद पुलिस उसनू ही टा लैंदी है और बुरी तरह उसकी कुटमार की जाती है और सट्टां दे निशान हाले तक उसके शरीर ते लगे हुए ने। कहा जा रहा है कि पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये शख्स भी आम आदमी पार्टी नाल जुड़िया होया शख्स है। लेकिन जे हुण आपां पंजाब सरकार की गल करिए कि कुछ चिर पहला सरकार वालों ये कहा गया सीगा कि पुलिस नूं थोड़ी जी आज़ादी जिहड़ी है वो देनी चाहिए ताकि पुलिस निष्पक्ष तरीके नाल अपना काम कर सके। हो सकता पुलिस नूं इह आज़ादी भी मिल गई होवे, लेकिन एक कैसी आज़ादी है? जे आपां पुलिस डिपार्टमेंट की गल करिए तां पुलिस लोगों की सेवा लई हुंदी है, लोगों के दुख दर्द च शामिल होने लई हुंदी है और लोगों की राखी करना किते ना किते पुलिस का काम है और मुलजमान नूं फड़ना भी पुलिस का काम है। और ये पहली बार नहीं होया कि खाकी जिहड़ी है वह दागदार हुई है। बहुत सारिया खबरां अजिहियां आंदियां ने कि नाजायज़ तौर पर कुछ लोगों को थाने च चक के लियाया जाता है, उन्हां दी कुटमार की जाती है। और पिछे जे भी ऐसी खबर सामने आई सी कि एक लड़के नूं पुलिस जिहड़ी है वह चुक लियांदी है, नाबालिग लड़का, उहदी बुरी तरह नाल कुटाई की जाती है और उस तो बाद पुलिस माफ़ी मंग लैंदी है कि इस दे वड्डे भरा नूं चक्कण आए सी, गलती नाल इस मुंडे नूं असी चक के लै गए। लेकिन हुण जे आपां गल करिए इस शख्स की तां इह लाचार है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके नाल नशे ते ठल पाउण लई इह समाज दी पुलिस दी मदद करन गया सी। की सिला इसनू उत्थे मिलिया ये तुसी देख सकते हो। लेकिन हुण सवाल जिहड़ा है पुलिस ते भी खड़ा हुंदा है और मौजूदा सरकार ते भी किते ना किते सवालिया निशान लगदा है कि जे कोई नशा वेचण वालियां दी खबर दिंदा है तां उस नाल ऐसा बिहेव है जिहड़ा वह क्यों हो रहा। हुण देखना यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपने ही मुलाजमान ते किस तरह की कार्रवाई इस केस में लैके करता है। जसपाल सिंह जी, मैं 5-6 दिन हो गया SHO साहब उन्होंने जोड़े मुंशियाँ होंगे उन्होंने तलाह दे गया भी साढ़े पिंड बनप्रीत मनू बाबा जी ये नशा भी करती है और अपने जोड़े नाल रखे गुंडे इन्ह तो चिट्टा बचा भी आने ने जो तलाह की, मैं थाने के गौर नहीं किया गा। तो उस तो बाद पिंड कल परसों लड़ाई जी हुई है, लड़ाई के मैं कोई दाखलबाजी नहीं दी, वह लड़ाई की रंजिश के मैं चुक के थाने सदर दे दिता जी। मैं इन्ना कुटिया SHO साहब ने बो पिंडे लाछा पाती मेरे पैरों के तलिया से कुट कुट के। SHO साहब होर 2-4 मुलाजम से जिन्हों का मैंने अणपछाते जिन्हें नहीं ना जानता, एक गुरमीत सिंह थानेदार है जी, उन्होंने मैं चंगी तरह जानता, उन्होंने तलाह की उन्हें कोई मेरी सुनाई नहीं सुनी गई। उन्होंने मैं कहा सीगा मैनू बाबा मनू चुकते पे आ नजायज़, तो मैनू आण के थोड़ी दसो मेरी गलती की है, मेरी कसूरता क्ढो कि इन पिंड पुछो मेरा की इन्हें कसूर क्ढो, मैं की गलती की है। मैं तो एक चिट्टे की बदौलत नशे की बदौलत मैं आवाज़ उठाई है भी नहीं विकन देना, असी नहीं ये काम होने देना, तो इन्होंने नजायज़ मेरे से लिया के कुटमार की है जी। कृपा करके मेरी बेनती है वध तो वध सख्त तो सख्त इन्हां ते कार्रवाई की जाए। हैंडीकैप हाँ जी, मेरे लत तो भी बाँह भी पोली है जी। हाँ जी हाँ जी, मेरे घर के भी हैंडीकैप है जी, मेरे ना की है जी, बहुत ज्यादा मेरे ना की है। और जोड़ा मुंडा नाल खड़ा सूँ भी चुकन पे सके वो बाकी भज गया सूँ, फिर जाके इन्होंने कुटिया मारे उन्हें कड़े कुड़े मारे, पता नहीं क्यों मारे की चक्कर से की नहीं चक्कर है। यू मैनू आँधी सी तू कहन को चिट्टा आ, मैं मैंने पता ही नहीं जो है भाजी, मैं कह दवा मगर चिट्टा सगा, तुम वेचते हो नशा, तुम वेचते हैं, तुम करते हैं, असं तो आवाज उठावे जो तुम उन्हें नजायज़ भांडा भनी ने भावें तेरी पार्टी का बंदा है, मैं क्यों नजायज़ नवा ना लवा, मैं आम पार्टी का जी। भाई जी कभी तो मैं मूहदा पाए कुटते, कभी खिलार के कुटते, मेरे पिट कुटते, खुचा कुटते, घंटा डेढ़ घंटा कुटिया जी इन्होंने, कभी मूहदा पा लेंगे, कभी सीधा पानी पिंदे सके, पानी थोड़ा पी, कभी आखन कभी ज़्यादा पानी पी, कभी आखन लम्मा पै कि इधर न लेटे मार, इन्होंने इन्ना मेरा बुरा हाल किया जी इन्होंने जी। तो मैं SHO सा इन्हों कहा SHO साहब न, मैं आख साहब जी रणवीर सिंह भुलरना या कुलदीप भुलरना गल तो करो भी मेरी गलती की है, मैं बंदा दस देने के तुम MLA दस देने के जिन्हों के नाल मैं अक्सर वर्कर किया भी बंदा किदा बंद पता लग ही इन्हों का बंदा, मैं भाजी दिल तो की है भाजी।
दिल तो आम पार्टी भाई जी मैं सब तो पिंड दे विच असल पिंड च आम पार्टी लिजाण वाला ही मैं जी पार्टी दे बावजूद भी तुहाडे नाल जिहड़ा तसल्ले कीता जा रहा है मैं तो कहना सख्त तो सख्त मान साहब नूं कहना भी इन्हों सख्त तो सख्त इन्हों कार्रवाई होनी चाहिए है। पहली गल तो इन्हों घर बिठाया जाना चाहिए जिहड़ी गुलाम तुसीं इन्हां दे हाथ में फड़ाई है गलत फड़ाती मान साहब असीं बेनती करते हैं गुलाम तुहानूं एम एल ए हाथ में देनी चाहिए एम एल ए तुहाडे बहुत ईमानदार ने और जनता ईमानदार साथ देगी तो सारे ईमानदार चलणगे मैं तो यह उम्मीद करदा ये पुलिस करदी मनमर्जी मनमाइयां ये नजायज़ परचे पाउंदी पई है ये पुराने जिहड़े एम एल ए बने सी उन्हां दे नाल मिले हुए आ तो ये मिल के उन्होंने नाल ही यह कम रंजिशा कढ़ रहे साढ़े तो मेरी बेनती करदा मैं तुहाडे चरणों में हथ बन के ये जिहड़ियां गुलामां ने इन्हां कोलों खोईयां जाण ये नहीं तो इदां दा माहौल आ पता नहीं किन्नियां मावां दे पुत होर नशे में वड़नगे मेरे दो भतीजे सके इस नशे की बल दलदल दे विच पूरे होए जी हाँ जी बहुत बहुत मेरी सरकार तो यही मंग आ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए इन्हां मुलाजमां ते और उस बाबा जिहड़ी मन्नू नशा बेचदी है जिन्हां ने गुंडेगर्दी गुंडे रखे हुए ने मैनू उदों भी ये मेरे गल पिया जो मैं वोटां दी लोकां नूं मंग मंगण जांदा सीगा भी साडी आम पार्टी नूं वोटां पाओ ना चिट्टे नूं ना दारू नूं तुसीं वोट पा दिओ झाड़ू नूं साडी इही आवाज़ सी सारे लोकां दे विच असीं पिंडां 'च वी आवाज़ उठाई सी ना चिट्टे नूं ना दारू नूं तुसीं वोट पाउणी भाई झाड़ू नूं भी झाड़ू अपना सफाई करेगा गंदगी कढेगा असीं इही आवाज़ लै के तुरे सीगे ते अज सरकार नहीं साडी माड़ी हैगी जिहड़े पुलिस मुलाजम साढ़े इलाके जिहड़े हैगे आ साडी सरकार दे मौके ते इह माड़े ने सानू इस पुलिस मुलाजम नहीं चाहिए गए इहो जिहे पुलिस वाले नहीं चाहिए गए जिहड़े नजायज़ लोगों के परचे पाउण लोगों को नजायज़ साडे वर्गियां नूं कुट मार करन अपने पिंड हासल का की मामला सीगा सर हासल पिंड विच 6 तरीक 6 तरीक नूं रात नूं लड़ाई होई सीगी अंग्रेज सिंह पुत्र चंद सिंह ते आकाश पुत्र बलवीर हाँ जी इन्हां नूं अमनदीप कौर आकाशदीप सुखा सिंह ते हरमंस सिंह ने कुट मार कीती सीगी जिहड़ा आकाशदीप आ उहदे गोली लगी ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ 307 330 34 25 27 54 59 ਆਦਿ ਐਕਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰਪਾਲ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰਪੰਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਚੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ ਸਰਵਾਈਕਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087